कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का आपके ही अपने YouTube चैनल फ्रेंड ऑफ स्टूडेंट में। आज के इस वीडियो लेक्चर में मैं आपको क्लास 9th एक्सरसाइज 2.3 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पढ़ाऊंगा। चैप्टर है ये बहुपद यानी पॉलिनोमियल्स एनसीईआरटी बुक से। इससे पिछले वीडियो लेक्चर में मैं आपको एक्सरसाइज 2.2 कंप्लीट पढ़ा चुका हूं। आप उन सभी वीडियोस को इस चैनल पर जाकर देख सकते हैं। तो चलिए आज का क्वेश्चन देखते हैं क्या है। एक्स की घात 3 प्लस 3x की घात 2 प्लस 3x प्लस 1 को निम्नलिखित से भाग देने पर शेषफल ज्ञात कीजिए। इस प्रश्न के हमें 1, 2, 3, 4, 5 पार्ट्स दिए हैं, ठीक है। इसमें हमें करना क्या है, ये जो बहुपद दिया है इसको हमें इस वाले बहुपद से भाग देना है और फिर बताना है शेषफल क्या आएगा। इसी प्रकार से x माइनस 1/2 से भाग देना है, फिर बताना है शेषफल क्या आएगा। और इसी प्रकार से थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ, इन सभी बहुपदों से एक एक करके इस बहुपद को भाग देना है और शेषफल बताना है। जैसा कि आप एक संख्या को दूसरी संख्या से भाग देना अच्छी तरह से जानते ही हैं, तो आज के इस वीडियो लेक्चर में आप क्या सीखेंगे कि हम किसी एक बहुपद को किसी दूसरे बहुपद से कैसे भाग दें। हालांकि आप इसे शेषफल प्रमेय का प्रयोग करके भी सॉल्व कर सकते हैं, बट यहां पर हमसे ऐसा कहीं नहीं कहा गया कि शेषफल प्रमेय का प्रयोग कीजिए, ठीक है। तो हमें क्या करना है, यहाँ पर भाग ही देना है। जब भी आप किसी एक बहुपद को किसी दूसरे बहुपद से भाग दें तो आपको एक चीज़ ध्यान रखना है कि जिस बहुपद को आप भाग दे रहे हैं उसका मानक रूप क्या है और जिससे आप भाग दे रहे हैं उसका मानक रूप क्या है। दोनों के ही मानक रूप सेम होने चाहिए। जैसे कि यहाँ पर देखिए, इस वाले बहुपद में चर क्या है हमारा, x है, ठीक है। और x की घात यहाँ कैसी दे रखी है, घटते हुए क्रम में। यहाँ x की घात 3 है, फिर x की घात 2 है, फिर x की घात 1 है, जहाँ कोई घात नहीं होती वहाँ 1 होती है, और यहाँ x है ही नहीं तो यहाँ x की घात 0 है। तो कैसा क्रम दे रखा है, घटता हुआ क्रम, 3, 2, 1, 0, ठीक है। अब हमें मान लो इस वाले बहुपद से इसको भाग देना है तो इसका मानक रूप भी कैसा होना चाहिए, मतलब इसमें भी x की घात कैसी होनी चाहिए, घटते क्रम में। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ x की घात 1 है, यहाँ x नहीं है तो यहाँ x की घात 0 है, यानी 1 और 0। तो ये और ये दोनों एक ही मानक रूप में दे रखे हैं। बट अगर हम फिफ्थ पार्ट की बात करें तो इसका मानक रूप और इसका मानक रूप सेम नहीं है। यहाँ पर घातें घटती हुए क्रम में और यहाँ पर बढ़ती हुए क्रम में है। देखिए, यहाँ x नहीं है ना, तो यहाँ x नहीं है तो x की घात यहाँ क्या हो जाएगी, 0। और फिर यहाँ x की घात कुछ नहीं तो यहाँ x की घात 1, यानी 0, 1। ये बढ़ते हुए क्रम में जबकि ये घटते हुए क्रम में है। तो हमें सुविधा किस में होगी, इस बहुपद का भी हम मानक रूप घटते हुए क्रम में कर लें। यानी सबसे पहले हम प्लस का 2x लिखें और फिर प्लस का 5, यानी 2x प्लस 5। इस तरह से हम इसका मानक रूप बदल सकते हैं। अब हमने यहाँ पर घातों को घटते क्रम में लिख दिया है, ठीक है। तो बस ये बात आपको याद रखनी है कि जिस बहुपद को आप भाग दे रहे हैं उसका मानक रूप और जिससे भाग दिया जा रहा है उसका मानक रूप एक जैसा होना चाहिए, ठीक है, ताकि आप आसानी से भाग दे सकें। क्लियर है? तो चलिए अब भाग देते हैं। सबसे पहले हम पार्ट वन करेंगे। पार्ट वन में हमें x प्लस 1 से भाग देना है इसको, ठीक है। तो सबसे पहले तो हमें लिखना है x की घात 3 प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 और भाग x प्लस 1, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, x प्लस 1 से हमको भाग देना है। तो ऐसे ही तो भाग देते हैं, ठीक है, किसको, x की घात 3 प्लस 3x की घात 2 प्लस 3x प्लस 1 को, ठीक है। अब भाग कैसे दी जाएगी, जिससे आप भाग दे रहे हैं उसका आप पहला पद देखें क्या है। तो इसका पहला पद है प्लस का x, ठीक है। इस प्लस के x से जिसको भाग दिया जा रहा है उसका पहला पद देखें क्या है, इसका पहला पद है प्लस का x की घात 3। तो हमें क्या करना है, x से इस वाले पद से इस वाले पद को भाग देना है। देखिए कैसे, x की घात 3 को हम कैसे लिख सकते हैं, x गुणा x, ठीक है। जब इसको गुणा कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, x की घात 3 मिल जाएगा। तो इसका मतलब x की घात 3 को हम इस तरह से लिख सकते हैं। अब हमें भाग किससे देना है, x से भाग देना है, तो इसके बटे में हम x लिख लेते हैं, ठीक है। x से यहाँ एक x कैंसिल हो जाएगा तो ऊपर क्या बचेगा, x गुणा x, और x गुणा x का मतलब क्या है, x की घात 2, ठीक है। तो ये जो हमें आंसर प्राप्त हुआ इसको हमें यहाँ लिख लेना जहाँ पर हम भागफल लिखते हैं। क्लियर हो गई बात। अब इस x की घात 2 से इस पूरे ही बहुपद को आप गुणा कर दीजिए। पहले x की घात 2 से x की घात 1 को, यानी x को गुणा कीजिए, फिर x की घात 2 से प्लस 1 को गुणा कीजिए। क्लियर है? तो x की घात 2 से x की घात 1 को जब हम गुणा करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, x की घात 3, और x की घात 3 को हम x की घात 3 के नीचे लिख लेंगे, ठीक है। फिर x की घात 2 से प्लस 1 को गुणा करेंगे तो हमें मिलेगा x की घात 2।
अब इस बहुपद में जहां पर भी x की घात 2 है उसके नीचे हमें x की घात 2 लिख लेना है। तो यहां पर हमें दे रखा है 3x की घात 2, x की घात 2 यहां दे रखा है, इसी के नीचे हमें इसको लिख लेना है। ये किसका है? प्लस का। ठीक है, चिन्हों का आपको ध्यान रखना है। तो यहां सारे ही प्लस प्लस के माइनस आने का सवाल नहीं है, तो मैं ज़्यादा चिन्हों के बारे में बात नहीं करूँगा। ठीक है, तो मैंने क्या किया, इस एक्स स्क्वायर को इसके नीचे लिख लिया। ठीक, अब हमें क्या करना है, ये जो नीचे लिखे हुए हैं इनके चिन्हों को बदल लेना है। इसके आगे कोई चिन्ह नहीं है तो ये है प्लस का, तो इसको हमें कर लेना माइनस का। ठीक है, और ये भी प्लस का है तो इसको भी हमें माइनस का कर लेना, और इस प्रकार से एक लाइन खींचनी है। अब इसको हमें घटा लेना। देखिए, ये वाला एक्स की घात 3 प्लस का क्योंकि यहाँ कोई चिन्ह नहीं है, और इसको हमने माइनस का कर दिया। ठीक है, सेम है। अगर हम एक्स की घात 3 में से एक्स की घात 3 घटाएंगे तो हमें क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। तो 0 मिलने की स्थिति में हम कैंसिल कर देते हैं। ठीक है, 3x की घात 2 प्लस का है और ये x की घात 2 यानी 1x की घात 2 माइनस का हो गया। ठीक है, प्लस माइनस ये भी घट जाएगा। 3x की घात 2 में से 1x की घात 2 घटाएंगे तो क्या मिलेगा हमें, प्लस का 2x की घात 2। ठीक, अब ये जो बचा है इसको भी आप यहाँ उतार लें। ठीक, अब वही प्रोसेस हमें फिर से करना है जिससे हम भाग दे रहे हैं इसके पहले पद से। अब यहाँ जो हमें पहला पद प्राप्त हुआ है इसको भाग दीजिए। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 2 गुणा x लिख सकते हैं, यानी जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें यही मिल जाएगा। ठीक है, तो इसको हमें क्या करना, भाग देना है इसके पहले पद से, और इसका पहला पद है x, तो इसके बट्टे में लिख देते हैं हम x। ठीक है, x से x कैंसिल हो जाएगा तो हमें क्या मिलेगा, 2 गुणा x, 2 गुणा x का मतलब क्या हो गया, 2x। किसका मिलेगा, प्लस का। किसका होगा ये, प्लस का। ठीक है, तो यहाँ पर हम जो ये आंसर आया उसको लिख लेते हैं 2x। ठीक है, अब इस 2x से हमें पहले x को गुणा करना है, फिर 2x से प्लस 1 को गुणा कर लेना। ठीक है, तो 2x से जब हम x को गुणा करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 2x की घात 2। क्या मिलेगा, 2x की घात 2। तो 2x की घात 2 हम इसके जस्ट नीचे लिख लेंगे। ठीक है, अब हमें 2x से प्लस 1 को गुणा करना है, तो 2x की और 1 की गुणा क्या हो जाएगी, 2x। अब इसमें देखिए x कहाँ, यहाँ पर है, तो इसके नीचे हमें 2x लिख लेना, प्लस का ही प्राप्त होगा। ठीक है, इसके बाद हमें क्या करना है, नीचे वाले के चिन्ह बदल लेने हैं। ये प्लस का है तो इसको माइनस का कर लो, ये भी प्लस का है इसे भी माइनस का कर लो, और इस टाइप से लाइन खींचो। ये दोनों सेम हो जाते हैं, प्लस माइनस के कैंसिल हो जाएंगे। ये प्लस का 3x है और ये माइनस का 2x है, प्लस माइनस होने का घट जाता है, घटाएंगे तो हमें क्या मिलेगा, 3x में से 2x जाएगा तो हमें मिलेगा 1x, और 1 हम लिखते नहीं इसीलिए हम x लिख लेंगे। ठीक है, और हमारा बचा यहाँ पर प्लस 1, इसको उतार लिया। ठीक है, अब पुनः वही प्रोसेस करना है हमें। यहाँ पर जो पहला पद आया है इस पहले पद को इसके पहले पद से भाग देना है। तो हमारा यहाँ पहला पद है x, ठीक है, और इसको भाग देना है इसके पहले पद से, तो ये भी x है। x से x को भाग देंगे तो हमें 1 प्राप्त होगा। ठीक है, किसका होगा, प्लस का। तो इस आंसर को हमें यहाँ लिख लेना है, प्लस का 1। अब इस प्लस 1 से इस पूरे बहुपद को गुणा कर लेना है। 1 से x ही गुणा करेंगे हमें क्या मिलेगा, x, तो x के नीचे x आ जाएगा। प्लस 1 से प्लस 1 की गुणा करेंगे तो क्या मिलेगा, प्लस का 1। ठीक है, नीचे वाले के चिन्ह हमें बदल लेने हैं, ये माइनस का हो जाएगा, ये माइनस का हो जाएगा, लाइन खींचेंगे, दोनों सेम है कैंसिल, दोनों सेम है कैंसिल, तो हमें क्या मिलेगा, 0। ठीक है, तो शेषफल हमारा क्या हो जाएगा, शेषफल हमारा हो जाएगा बराबर 0। ठीक है, यही आंसर हो जाएगा। आई होप आपको ये प्रक्रिया अच्छी तरह समझ में आ गई होगी। अब सेकेंड थर्ड फोर्थ पार्ट हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आप मुझे कॉमेंट करें, अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक जरूर करें। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में।